अल्मोड़ा में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने पेंशन की मांग को लेकर कार्यालय परिसर में धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए हाईकोर्ट के फैसले के तहत पेंशन देने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक निर्माण और सिंचाई विभाग के नियमित वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने का आदेश जारी किया था, लेकिन राज्य सरकार ने एक्ट लाकर वर्क चार्ज सीमा को अमान्य करार दे दिया, जिसके चलते रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। साथ ही लोक निर्माण विभाग कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। हम लोग नियमित अनियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के कर्मचारी हैं। हमारी मेन मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के तहत हमें वर्क चार्ज की सेवा को जोड़ते हुए हमें पेंशन का लाभ दिया गया था, लेकिन सरकार द्वारा हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा 2022 में एक एक्ट लाया गया है जिसके तहत हमारी वर्क चार्ज की सेवा को अमान्य कर दिया है, जिससे हमारे बहुत से कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं जो पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे। हमारा मानना यह है कि हमें प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तहत हमें पेंशन दी जाए, पुरानी पेंशन। आज क्या कर रहे हैं और आगे क्या रहे? आज हमारा ये धरना का एक दिवसीय धरना है और इसके बाद हम 21 तारीख को देहरादून में ENC कार्यालय प्रमुख अभियंता कार्यालय में धरना देंगे, उसके बाद आगे की रणनीति वहीं से बनेगी हमारी।